हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे झींगा पुलाव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है छोटे साइज़ के झींगे ली हूँ और इसको मैं पुलाव बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टोप में तेल गर्म कर ली हूँ और इसे मैं फ्राई करके निकाल लूँगी पहले। ठीक है, जो है हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम झींगे को फ्राई करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट हम झींगे को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा झींगा जो है फ्राई हो रहा है। इसी तरीके से हम चलाते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट और फिर इस झींगे को हम अलग करके प्लेट में निकाल देंगे। देख सकते हैं मैंने जो है झींगा फ्राई करके निकाल ली यहाँ पे, और हम यहाँ पे जो है आलू को फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हम आलू को फ्राई कर रहे हैं और आलू के भी जो हमने पीसेज है छोटे छोटे क्यूब में रखे। आप चाहे तो बड़े छोटे साइज़ के आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे झींगा छोटा है तो मैंने आलू के जो साइज़ है उसके भी छोटे रखे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आलू फ्राई हो गया है हम इसे निकाल लिए। यहाँ पे हमने एक कांदा जो है चॉप करके डाले, मीडियम साइज़ का कांदा यहाँ पे हमने चॉप करके डाले और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और जब तक हम इसमें अक्खे गर्म मसाले डाल देते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है अक्खे गर्म मसाले भी डाल दिए। अब इसमें हम टमाटर जो है चॉप किए थे वो डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर चॉप करी, अब मैं इसमें डाल दूँगी। के साथ ही साथ हम इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही साथ इसमें हम नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे और फिर इसे ढक के पकाएंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे स्पून भर के हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। मैंने 4 से 5 मिनट ढक के पकाई मीडियम फ्लेम पर ताकि इसका टमाटर अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छा खासा जो है टमाटर गल गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी भाजी ऐड करूँगी। मैं आपको बताती हूँ कौन सी भाजी ऐड कर रही हूँ। ऐसे तो मैं बीन्स भी डालती हूँ, फिलहाल इस वक्त मेरे पास बीन्स नहीं है तो इसलिए मैं बीन्स नहीं डाल रही हूँ। और बीन्स का बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, अगर हो सके तो आप बीन्स ज़रूर डालिए। गाजर डालूँगी, गोभी डालूँगी, कॉलीफ्लावर। ठीक है, कॉलीफ्लावर हम डालेंगे और आपके पास बीन्स हो तो आप ज़रूर डालिए। और 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह पकने देंगे मिक्स करने के बाद। मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर ली चला के, अब इसे मैं 2 से 3 मिनट पकने दूंगी। डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट पकाई और चलाते हुए पकाई। अब मैं इसमें जो झींगा हमने फ्राई किए थे और आलू फ्राई किए थे वो डाल देंगे। झींगा और आलू फ्राई किए थे वो इसमें डाल दिए। अब इसे हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे और चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके लिए हम अब 2 से 3 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर जो है चावल को मैंने 1 घंटा भिगा के पहले से रखी हूँ। जब भी हम बिरयानी या पुलाव बनाती हूँ तो 1/2 घंटा 1 घंटा पहले से मैं चाले में। अब इसमें हम चावल डाल देंगे और पानी डाल देंगे और इसे हम पका देंगे। चावल डाल दिए, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर दिए, आप इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। आपको मीन्स कम लग रहा है तो आप इसमें डाल सकते हैं नमक। ठीक है, यहाँ पर आप ढक के 5 मिनट पका सकते हैं। फिर से आप खोल के इसे अच्छे से ऊपर नीचे चला लेंगे। उसके बाद फिर जब इसका पानी सूख जाएगा तो फिर इसे हम ढक के फिर पकाएंगे। नॉर्मली जैसे चावल पकाते हैं ना, उसे मैच होता हुआ ही हम पुलाव को भी पकाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरा चिकन पुलाव रेडी हो गया है और इसकी हम गैस की जो फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम पुलाव या बिरयानी बनाते हैं तो हमें फ़ौरन सर्व नहीं करना होता है, 5 से 10 मिनट के बाद ही सर्व करना होता है गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद। तो चलिए 5 से 10 मिनट के बाद मिलते हैं। देख सकते हैं जो है हमारा रेडी हो गया है झींगा पुलाव। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो इसमें सूखी लाल मिर्ची और लहसुन और नमक डाल के पीस के आप इसकी चटनी बना के आप इसके साथ भी खा सकते हैं और आप अचार के साथ भी खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा बनता है, थोड़े से झींगे